पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से क्या नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी हो सकती है? क्या अमरिंदर सिंह पसीज जाएंगे और क्या सिद्धू फिर से पंजाब कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे? क्या अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच की तलखियां कम हो जाएंगी और क्या वाकई अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ दबाव में स्वीकार किया? नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। पंजाब कैबिनेट में वापसी को लेकर बात कर रही हूं तो उसके तार जुड़े हैं दबाव से। दबाव इसलिए था क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया अपना आधिकारिक तौर पर, हालांकि उनका जो लेटर सामने आया उनके ट्विटर अकाउंट पर और मीडिया में, उस पर लिखा था 10 जून 2019, ये वो तारीख थी। ठीक इसके एक दिन पहले मुलाकात की थी उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, उसके बाद एकांतवास पर चले गए। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि वैष्णो देवी गए हैं, वैष्णो देवी से लौटे पंजाब। लोग सोच रहे थे क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो फैसला सुनाएंगे, और कुछ ही वक्त का इंतजार था, कुछ ही दिन का इंतजार था, उन्होंने सीधे सीधे रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट कर दिया कि आई एम रिजाइनिंग पंजाब कैबिनेट। तो वो पंजाब कैबिनेट से उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे ऊर्जा विभाग नहीं संभालना है। अब उसके बाद अमरिंदर सिंह ने बयान दिया, अमरिंदर सिंह उस वक्त दिल्ली में थे, उन्होंने साफ साफ कहा मेरे कोई भी मतभेद नहीं है, अगर उनको मुझसे कोई मतभेद है तो सवाल उनसे पूछा जाए। उनकी पत्नी को लेकर भी बोला गया, सिद्धू की पत्नी को लेकर के भी, कि उन्होंने टिकट की फरमाइश की, लोग चंडीगढ़ से, मैंने भटिंडा से टिकट दिला था, मेरे बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैंने उनका टिकट कटवा दिया, बहुत सी बातें थी। अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कहा कि मेरे और सिद्धू के बीच में कोई गिले शिकवे नहीं है, और उन्होंने सबसे बड़ा स्टेटमेंट तो ये दिया था कि जब मैंने मंत्रालय बदला तो मैंने और भी लोगों के मंत्रालय बदले थे, सिद्धू को अगर मुझसे कोई दिक्कत थी वो ऊर्जा विभाग संभालते, उसके बाद बात करके मसले को हल किया जा सकता था, लेकिन सिद्धू ने ऊर्जा विभाग नहीं संभाला। अब उनकी भी अपनी कुछ बातें होंगी कि वो उनकी अहम की भावना होगी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी, अमरिंदर सिंह का उन पर दबाव होगा, अमरिंदर सिंह का जो डोमिनेशन होगा वो उसको टॉलरेट नहीं करना चाह रहे होंगे, सहन नहीं करना चाह रहे होंगे, बहुत सी बातें होंगी, क्योंकि उनके उनके परसेप्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुल मिलाकर अमरिंदर सिंह ने अपना पक्ष मीडिया के सामने ये कहकर साफ कर दिया कि मैं फिलहाल कल्प्रिट नहीं हूँ और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिस तरह की मेरी छवि पेश की जा रही है जनता के सामने। अब इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसके बाद लगा कि अमरिंदर सिंह पे दबाव था, वो सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, उन पे दबाव था 3-4 मंत्रियों का कि वो सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार करें और सिद्धू को पंजाब कैबिनेट से बाहर करें, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया सिद्धू के इस्तीफे पर उसे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि शायद मसला सुलझ सकता है और शायद सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी हो सकती है, और शायद अगर सिद्धू एक कदम आगे बढ़ाते तो अमरिंदर सिंह दो कदम आगे बढ़ाकर उनको उनका पुराने मंत्रालय भी दे सकते थे। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या बात थी। बात ये आके निकल कर सामने आई थी, ये बात उस दौरान की है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, अमरिंदर सिंह ने उनके इस्तीफे पर अपनी टिप्पणी की, और फिर उसके बाद एक बात सामने आई कि अमरिंदर सिंह पर 3-4 मंत्रियों का दबाव है कि वो सिद्धू के इस्तीफे को स्वीकार करें, और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते थे कि साफ गोई से बात करने वाले सिद्धू को कैबिनेट से बाहर किया जाए। मतलब पक्ष भी था, विपक्ष भी था, और जिस तरह से और कई मंत्रियों ने कहा कि सिद्धू अपने ही सरकार को सार्वजनिक रूप से निशाने पर लेते रहते हैं, जब कभी उन पर बात आती है तो वो कहते हैं कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है, ऐसे में जो फैसले कैबिनेट लेती है वो भी तो सामूहिक जिम्मेदारी है, सिद्धू इससे अपने आप को अलग कैसे रख सकते हैं। सिद्धू कैबिनेट में तीसरे नंबर के सबसे सीनियर मंत्री हैं और अपनी सरकार के खिलाफ सार्वजनिक मंच से बयानबाजी करते हुए उन्हें सोचना चाहिए। तो ये थी बात जब अमरिंदर सिंह के कुछ मंत्रियों ने कहा कि सिद्धू को हटा देना चाहिए, यानी कि अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि सिद्धू को कैबिनेट से हटाया जाए। अब ऐसे में कुल मिलाकर फिलहाल इस्तीफा स्वीकार हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमरिंदर सिंह खुद सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी करा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, और तीसरे नंबर के नेता थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो ज़रूरत तो अमरिंदर सिंह को वैसे है नहीं सिद्धू की, क्योंकि उनके पास तो बहुत से नेता होंगे, और ब्रह्म मोहिंदा जो हैं उनको फिलहाल के लिए जो है मंत्रालय सौंप दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से बातें आ रही हैं और जिस तरह से दबाव की बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ साफ साबित होता है कि अगर अमरिंदर सिंह चाहें तो नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी संभव है। बस हो सकता है कि इसके लिए अमरिंदर सिंह को अब एक कदम आगे बढ़ाना पड़े, लेकिन ये निर्भर करता है कि अमरिंदर सिंह ऐसा चाहते हैं, और जाहिर सी बात है जो खबर सामने आई उसे साफ लग रहा है कि वो इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इस्तीफा स्वीकार करने से पहले सिद्धू से मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एक पक्ष ये भी देखना होगा कि क्या सिद्धू ने अपनी तरफ से पहल की अमरिंदर सिंह से बात करने के लिए, ये भी देखना होगा दोनों के बीच में किस तरह से दरार पड़ी है, वो तो दोनों ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन फिलहाल सिद्धू से इस मामले में, फिलहाल अपनी छवि के मामले में अमरिंदर सिंह आगे निकल गए, उन्होंने साफ साफ कह दिया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, वो अपना पद संभालते और मैं वो बात करते और मैं उनको उनका मंत्रालय वापस कर सकता था, बाद में मसला सुलझाया जा सकता था। लेकिन सिद्धू ने तो अपनी तस से मस नहीं हुए, वो अडिग रहे अपने फैसले पर कि मैं मंत्रालय नहीं संभालूंगा, और सबसे बड़ी बात तो मुश्किल पैदा इसलिए कर दी सिद्धू ने कि उस वक्त
धान की कटाई का वक्त था, पंजाब में बिजली की बहुत किल्लत थी, उसको देखने के लिए एक नेता की जरूरत थी, मंत्री की जरूरत थी जो उस चीज़ को मैनेज करे। लेकिन सिद्धू क्या वहाँ पर उन्होंने मंत्रालय संभाला नहीं, उसका जिम्मा भी अमरिंदर सिंह पे आ गया, तो जाहिर सी बात है। और उस पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी कि आखिर जब काम नहीं कर रहे सिद्धू तो उनको सैलरी क्यों मिल रही है, तो बहुत सी ऐसी बातें थी। और अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार पर जो है सवाल उठाया जाए, क्योंकि उन्हें 2022 में फिर से जनता के ही सामने जाना है, पंजाब में असेंबली इलेक्शन होंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल अगर 2022 के मद्देनज़र ही सही, शायद हो सकता है कि एक बार पार्टी आला कमान की इशारे पर या फिर खुद अपने राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए अमरिंदर सिंह सिद्धू से शायद इस बात की पहल करें और शायद इस वजह से सिद्धू की पंजाब कैबिनेट में वापसी हो जाए। नमस्कार।